जय हिंद दोस्तों, आपने हीरा का नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा और हीरा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस हीरा का निर्माण कैसे होता है, ये हीरा बनता कैसे है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो हीरा आपको दिखता है, जिस हीरा की कीमत इतनी ज्यादा है, जिस हीरा का मांग पूरे दुनिया में इतना है, उस हीरा के बनने के पीछे की कहानी क्या है, वो हीरा बनता कैसे है, तो हम उस पूरे इंफॉर्मेशन को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो का लाभ आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो हीरा बनता है वो हीरा बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, हीरा बनने में जो समय लगता है वो लगभग 30,000 लाख साल का समय लगता है, यानी कि 3 बिलियन ईयर का समय लगता है, और ये एक बहुत ही लंबा समय होता है। इतना ज्यादा समय के बाद जाकर एक जो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एक कार्बन का एटम होता है, वो हीरा में कन्वर्ट होता है। तो ये एक बहुत ही लंबा समय का अंतराल होता है जिसके बाद इसका निर्माण होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हीरा इतना महंगा होता है। दूसरी बात कि हीरा जो बनता है वो कहां बनता है, तो हीरा जो बनता है वो जमीन से 150 से 200 किलोमीटर की गहराई में बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जमीन से करीब 150 से 200 किलोमीटर अंदर बनता है, मतलब ये एक बहुत ही गहराई में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही गहराई में पाया जाता है, जिसको निकालने में भी बहुत ज्यादा खर्च आता है, और इतना खर्च आता है, यही कारण है कि हीरा का जो दाम होता है वो महंगा होता है और वो आपको बहुत कॉस्टली मिलता है। तीसरी बात, ये जो बनता है वहां का प्रेशर, वहां का जो दबाव होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कितना दबाव होता है? 50,000 टाइम, यानी कि धरती पर जो आपके ऊपर एटमोस्फेयर का प्रेशर है उससे 50,000 गुना ज्यादा दबाव होता है। सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज जमीन से 200 किलोमीटर के आसपास नीचे में पाया जाएगा तो उसके ऊपर 200 किलोमीटर का जो मिट्टी का दबाव तो होगा ही उसके ऊपर। तो इतना ज्यादा दबाव उसके ऊपर पाया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है, जहां पर कि ये हीरा का निर्माण होता है उस जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये कि जो हीरा आज आप देखते हैं, जिस हीरा की आज हम बात कर रहे हैं, उस हीरा के निर्माण में 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 50,000 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50,000 गुना ज्यादा दबाव, ठीक है, और फिर वो 150 से 200 किलोमीटर की गहराई में, और 30,000 लाख साल के समय के बाद हीरा का निर्माण होता है। तो हीरा का निर्माण एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती है, और तब जाकर यह हीरा बनता है। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो जमीन के अंदर चला जाता है, वो इतना दबाव के बाद वो जो कार्बन होता है वो धीरे 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 हीरा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हीरा का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि हीरा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।